आलू पनीर के भुजिया को हमने डीप फ्राई कर लिया है और इसे हम प्लेट में रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू और पनीर का गुजिया बनाने की विधि बताऊंगी जो खाने में टेस्टी है, डिलीशियस है, स्पाइसी है, खास्ता है, सॉफ्ट है। एक बार ट्राई करके देखिए बनाकर। चैनल को लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। 2 कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार मिक्स करेंगे। दो चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे, मिक्स करेंगे। इन सामग्रियों को मिक्स कर लिए हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। टाइट डो बनाएंगे। दो चम्मच सरसों का तेल है जो गर्म हो चुका है। एक मीडियम साइज का प्याज है, सारी कटा हुआ। 4 हरी मिर्च है, सारी कटा हुआ। 1/4 टीस्पून जीरा है। प्याज फ्राई करेंगे 5 मिनट में। 2 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिए हैं। 2 चम्मच टमाटर सॉस डालेंगे। 2 चम्मच पानी डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर मिक्स करेंगे। 1/4 टीस्पून सोया सॉस मिक्स करेंगे। 250 ग्राम पनीर डालेंगे। 1/4 हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। 4 सामग्री को फ्राई कर लिए हैं। अभी ये मैश किया हुआ आलू डालेंगे। 2 बड़ी साइज का आलू है। आलू को इन सामग्रियों के साथ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इन सामग्रियों को 2 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। इन सामग्री को फ्राई कर लिए हैं। गैस को ऑफ करेंगे। आलू और पनीर का स्टफिंग रेडी हो गया है। हम इसे प्लेट में रखेंगे। गूंदे हुए मैदे से लोई बनाएंगे। लोई बना लिए हैं।
लोई ले लिए हैं बेलेंगे। स्टफिंग ठंडा हो गया है। आलू और पनीर के मिक्सर को हमने प्लेट में रख लिया है और ठंडा हो गया है। लोई ले लिए हैं बेलेंगे। बेल लिए हैं पूरी जैसा, जैसा बेल लिए, पतला है, पतला है। आलू और पनीर का मिक्सर रखेंगे। पनीर और आलू का स्टफिंग डालकर फैलाएंगे, फोल्ड करेंगे और चारों ओर से दबा देंगे। अब दोनों ओर से इसे उलट पलट कर दबा देंगे। इस पर फॉक का निशान डाल देंगे। अब इसे पलटेंगे, उलट पलट कर दोनों ओर से फॉक से निशान डाल दिए हैं। आलू पनीर का गुजिया रेडी हो गया है। कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें। आलू पनीर गुजिये को हमने फिलिंग कर लिया स्टफिंग के साथ। तेल गरम हो गया है। आलू पनीर गुजिये को डीप फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। डीप फ्राई करेंगे, तेल के ऊपर आ जाएगा तभी इसे हम पलटेंगे। तेल का ऊपर आ गया है, अब इसे हम पलटेंगे। उलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे, उलट पलट कर दोनों ओर से डीप फ्राई करेंगे। उलट पलट कर दोनों ओर से डीप फ्राई कर लिए हैं। प्लेट में रखेंगे। इसी तरह सारे आलू पनीर के गुजिया को डीप फ्राई करेंगे। उलट पलट कर दोनों ओर से सेकेंगे। आलू पनीर का भुजिया रेडी हो गया है। आलू पनीर के भुजिया को हमने डीप फ्राई कर लिया है और इसे हम एक प्लेट में रखेंगे।